पता नहीं मेरा रूटीन क्या सुधरेगा, क्या हो गया मेरे को, आलसी हो गया, मैं आलसी कोड़िया इंसान। अभी भी लगता है ये एंड मूवमेंट पे काम कंप्लीट करने वाली हैबिट नहीं जाने वाली कभी भी। देखो क्या है, मैंने कल अपना फुल ब्लॉग एडिट कर लिया था जो आज डालना था, लेकिन आज जो मिनी ब्लॉग आने वाला है वो मैंने अभी सुबह उठ के एडिट किया, क्योंकि अभी मैं ऑफिस चला जाऊंगा, फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, और वो जो ब्लॉग 6 बजे आना है आज, वो अभी सुबह सुबह ही मैंने निपटा डाला। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी चल रहा है मई और मेरे 120 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 112 है ये, 112वां ब्लॉग देख रहे हो आप। अगर नहीं देखे पुराने ब्लॉग्स तो जाके चेकआउट जरूर करें। देखो आलस को जितना ही दूर भगाने की कोशिश करो वो उतना ही आपको कुत्ते टाइप दौड़ाता है और पकड़ लेता है, और फिर अपन मस्त आराम से आलसी होके सो जाते हैं और काम जो है वो एंड टाइम पे ही निपटाते हैं। तो ये आदत अगर जल्दी नहीं सुधरी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी साइन। तो चलते हैं, अभी अपन फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, रेडी होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, वही यूजुअल रूटीन सुबह का ऑफिस जाने से पहले वाला। आपको पता ही होगा अगर आपने पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो। लगता है ओले गिरने वाले हैं, ओले बोलने से आग के गोले। इतनी गर्मी बढ़ गई है 2 दिन के अंदर की क्या ही बताऊँ। मतलब 2 दिन से उमस हल्की हल्की गर्मी थी, आज कुछ ज़्यादा ही उफान पे है। मतलब इतना तेज़ धूप गर्मी, हवा टाइट हो जाएगी इंसान की। गर्मी में ठंडे ठंडे पानी से तो नहाना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद जो ठंडक का एहसास होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब एकदम फ्रेश। तो रोज़ की तरह आज भी अपन लेट हो गए। मतलब पिछले 2-3 दिन से अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपना रूटीन सुधरे, लेकिन मेरा रूटीन जो है वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। तो कल क्या हुआ कि मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने फ़ोन उठा लिया और रील्स स्क्रॉल करते करते रात के 1:30 बज गए साईं, और सुबह उठ के मेरे को ब्लॉग एडिट करना था तो वो मैंने किया मिनी ब्लॉग पे वॉइस ओवर। और वॉइस ओवर सुबह उठ के करने पे इतना खतरनाक लगा है ना कि क्या बताऊँ। मतलब ऐसा गला बैठा बैठा लग रहा था, और मैं कर करके पानी पी पी के वॉइस ओवर किया हूँ आज अपने मिनी ब्लॉग पे। ये भी एक अलग ही दिक्कत है सुबह सुबह वॉइस ओवर करने की। तो अभी नहाना धोना हो गया, पूजा कर लेते हैं और देखते हैं ब्रंच में क्या बनाए। और रूटीन सुधारो अभियान अभी भी चालू रहेगा, आज उसका 4th दिन है, और अपने को कैसे भी करके अपना रूटीन वापस से सही करने। मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ब्लॉग चैलेंज खत्म हो जाएगा भैया, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा फिर मैं ब्लॉग एडिट करने का। तो क्या लगता है आपको, क्या इस हफ्ते मेरा रूटीन सुधर पाएगा? कोशिश जारी है, पूरी तैयारी है, देखते हैं क्या होता है। तो पूजा पाठ हो गई और अब करते हैं पेट पूजा। आज मैं लेट हो गया हूँ, थोड़ा देर से सो के उठा, ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, 10:30 बज चुके हैं। और ब्रंच में आज बना है कद्दू की सब्जी, ये आम वाली मतलब कच्ची केले की सब्जी, और दही एज यूजुअल अपन खाएंगे, ऑफिस जाएंगे जस्ट लाइक अदर ब्लॉगर्स। तो गाइज मेरा लंच हो गया है और अभी मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, फिर मैं ऑफिस जाऊँगा। तो अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस, बजने वाले हैं 11, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, और अब मिलते हैं सीधा शाम को। ओ मुंडा कुकड़ कमाल दा। लो जी हो गई शाम, बज चुके हैं 6:30, अपन आ गए ऑफिस से वापस। हुलिया चेंज करते हैं, मुँह पे तौलिया मारते हैं और देखते हैं कि स्नैक्स में क्या है। तो मार के मुँह पे तौलिया चेंज कर लिया है मैंने अपना हुलिया, भूख लगी भाई भूख, देखते हैं क्या बनाए। तो मैं अभी खाने जा रहा हूँ शाम के लंच में सूजी के चीले। देखो ज्यादा ना चिल्लाओ, चुपचाप चीला खाओ, अदरवाइज अपने घर जाके चुपचाप सो जाओ। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको सूजी का चीला पसंद है कि नहीं पसंद है, और क्या आप एनी टाइम खाना पसंद करते हैं या कोई फिक्स रूटीन है। तो मेरा लंच हो गया है मस्त, मैंने खाया सूजी के चिले और पराठा प्लस अचार। आज एक नई वैरायटी का अचार खाया मैंने, और उसका नाम मेरे को अभी भी याद नहीं हुआ है, तो जब याद हो जाएगा तब आपको बता दूंगा। और अभी अपन मारेंगे एक छोटा सा पावर नैप, उठेंगे, मिनी ब्लॉग एडिट करेंगे और फिर वॉक करने जाएंगे, देखते हैं ये सारी चीज़ें हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं, अभी पता चल जाएगा। तो मैंने सोचा था कि 15-20 मिनट का पावर नैप लूँगा, मैं लेटा मस्त सो गया, 9 बज गए भैया, और मैं सोया था लगभग 7:30 बजे, तो लगभग 1.5 घंटे अपन सो रहे थे, 15 मिनट का 1.5 घंटे हो गए। तो करते करते आराम, आइसक्रीम खाने का बन गया है प्रोग्राम, अभी फ़ोन करके उठाएंगे, अगर फ़ोन नहीं आता तो मैं और सो लेता, तो अच्छा हुआ फ़ोन आ गया। तो अभी अपन जा रहे हैं मस्त कुल्फी लेके आएंगे, कुल्फी लेके आते हैं, मज़े से खाते हैं, नींद को दूर भगाते हैं, और कोशिश करते हैं कि ब्लॉग एडिटिंग में लग जाते हैं, अदरवाइज तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कल का ब्लॉग एडिट हुआ नहीं अभी तक। पता नहीं मेरा रूटीन क्या सुधरेगा, क्या हो गया मेरे को, आलसी हो गया, मैं आलसी कोड़िया इंसान। अलो जी कुल्फी आ गई कुल्फियाँ। तो कमेंट करके बताएं कि आपको आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है या कुल्फी। ऐसा ठंडा ठंडा लग रहा है, मन कर रहा है चेहरे पर मल लूँ, लेकिन फिर खाएंगे क्या। देखो आज पूरे दिन भर में मैंने एक ही अल्टीमेट अचीवमेंट किया है, और वो ये है कि बस एक मिनी ब्लॉग एडिट किया है, लालद है, एक मिनी ब्लॉग, सिंगल मिनी ब्लॉग ओनली, जो कि कल डालना है, और कल का फुल ब्लॉग मैं कल एडिट कर लिया था। तो आज ये आलसी और कोड़िया इंसान ने बस एक मिनी ब्लॉग एडिट किया, जिसको एडिट करने में हार्डली आधे घंटे लगे, आधे घंटे से 45 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस इतना ही काम किए हैं, और अब 10:30 बज चुके हैं,
चलते हैं डिनर करते हैं, देखते हैं डिनर में क्या बनाए। तो डिनर में आज बना है दाल चावल तरोई। नेनुआ और तरोई का डिफरेंस अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा सेम टाइप का लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन सब खाते हैं। अभी भी सादा डिनर करके देखो कभी भी, अभी दाल चावल और तरोई खा के जो आनंद मिला है वो ऐसा मसालेदार खाना खा के नहीं मिलता। क्या है, लाइट खाना खाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत बढ़ गई, साईं बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है अभी दोबारा नहा लूं, लेकिन अपन पंखा फुल पे चलाएंगे, विंडो खोलेंगे और मस्त सोएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस व्लॉग, मिनी व्लॉग के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं कल शाम को, गुड नाइट, स्लीप टाइट। 120 व्लॉग चैलेंज का व्लॉग 112 कंप्लीट रे साईं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं क्या लगता है कि मेरा रूटीन कब तक ठीक हो पाएगा। ये मैं रूटीन के पीछे पिछले 4-5 दिन से पड़ा हूँ, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, अपन कोशिश कर रहे हैं।